हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडमिट एडु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज प्रारंभ किया गया है खासतौर से यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर कोई गोली कोश हो जो कि समान रूप से आवेशित हुआ हो, तो उस गोली कोश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इस पे हर साल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गोली कोश के बाहर या पृष्ठ पर या फिर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये अलग अलग स्थितियों में भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि केवल बाहरी बिंदु पर स्थित बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी उसकी गणना कीजिए, या फिर केवल पूछा जा सकता है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, या फिर इतना केवल पूछा जा सकता है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भी पूछा जा सकता है या फिर इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। तो आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। तो इस टॉपिक का आंसर आपको देना कैसे है, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोश की सतह पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है तथा इसके द्वारा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब बिंदु पी की तीन स्थितियां हो सकती हैं। नंबर वन, यदि बिंदु पी कोश के बाहर स्थित हो अर्थात स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। नंबर टू, यदि बिंदु पी पृष्ठ पर हो उस स्थिति में स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल होंगे। और नंबर तीन है कि यदि बिंदु पी कोश के अंदर स्थित हो उस स्थिति में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम इन तीनों स्थितियों को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं नंबर वन स्थिति पे कि यदि बिंदु पी कोश के बाहर स्थित हो, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा गोली कोश है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है और ये सभी आवेश उसके पृष्ठ की सतह पर इकट्ठे हो गए हैं, और इस गोली कोश के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बाहर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु पी से जाती हुई एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, और उस गॉसियन पृष्ठ चूंकि इस गॉसियन पृष्ठ का आकार वृत्तीय होगा और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना हुआ है। तो यदि बिंदु पी गोली कोश के बाहर स्थित हो तो इस स्थिति में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, अर्थात कि ये जो बाहरी गोला है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर अंदर के गोले कैपिटल आर अंदर के गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से अधिक होगी, इसलिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर बताया जा रहा है। माना बिंदु पी से होकर स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर पृष्ठ अवयव डी ए है तथा वेक्टर डी ए व वेक्टर ई की दिशाएं त्रिज्यीय हैं, इसलिए डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसलिए गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसलिए फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब ई और कॉस थीटा दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो इस स्थिति में डी ए का इंटीग्रेशन होगा और जिसका मान ए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से
हमें गॉसियन प्रेशर से निर्गत कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों त्रिज्यीय हैं, तो इस स्थिति में दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा का मान शून्य होगा। तो इसलिए कॉस थीटा में हम थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, जिससे हमें कॉस 0 का मान 1 प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में फाई इज इक्वल टू ई ए प्राप्त होगा। अब गॉस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसलिए ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तथा ए ए क्या है? ए है हमारा इस गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान 4πr² होता है। तो इसलिए हम यहाँ ए की जगह पे 4πr² रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ई इज इक्वल टू हमें 1/4πε0 इंटू q/r² ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अर्थात कि अगर कोई गोली कोश हो तो उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r² प्राप्त होता है। या इसको अगर हम वेक्टर रूप में दिखाना चाहें तो इस प्रकार से दिखाएंगे कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r² इंटू r कैप। अब यहाँ पे इसको हमने समीकरण एक मान लिया। इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये केंद्र को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा a प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो a है और यहाँ पे आने वाला a दोनों में फर्क है। तो इसको हम चाहें तो कुछ a1 करके दिखा देते हैं या a डैश करके दिखा सकते हैं ताकि एक डिफरेंस बना रहे हैं। तो ये जो a1 है ये क्या है? ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मगर इस अंदर के गोली कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसलिए q इज इक्वल टू हमने यहाँ पे सिग्मा a1 दिखा दिया। अब a1 के मान कितना होगा? तो अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² प्राप्त होगा। यहाँ पे R कैपिटल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR² हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आने वाले Q की जगह पे हम सिग्मा इंटू 4πr² को रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन स्मॉल r² प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4π और 4π कैंसिल हो रहे हैं। इनके कैंसिल हो जाने के बाद E इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r² हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे R कैपिटल है और यहाँ पे R स्मॉल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि कोई समान आवेशित गोली कोश हो तो उसके बाहरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r² या फिर E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² के बराबर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि यदि बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तब वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरी स्थिति आ रही है कि यदि बिंदु P कोश के पृष्ठ पर हो, तो यदि बिंदु P कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। अतः इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल r² होगा। जहाँ पे समीकरण एक आप देख रहे हैं कि इस समीकरण एक में चूंकि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगी तो उस स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस समीकरण में स्मॉल r की जगह कैपिटल R को रखेंगे। तो हमें उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी जब बिंदु P इस गोली कोश के पृष्ठ पर आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं।
जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बिंदु P गोली कोश पर आ जाती है तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4πε0 × Q/R² प्राप्त होता है। तथा अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो अभी अभी हमने देखा था कि E = σ r² / ε0 × r² प्राप्त हुआ था अभी जब बिंदु P बाहर था, तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाने के कारण हमें आवेश पृष्ठ घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है कि E = σ r² / ε0 r² दोनों ही वैल्यू सेम है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो और इस स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 प्राप्त होता है। और स्पष्ट है कि गोली कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अब आते हैं अपने तीसरी स्थिति में कि यदि बिंदु P कोश के अंदर स्थित हो, तो यदि बिंदु P कोश के अंदर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं होगा बल्कि उसे छोटा होगा। तो इस स्थिति में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, माना P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ पर पृष्ठ अवयव dA है। बिंदु P से एक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली और इस पर एक पृष्ठ अवयव dA हमने ले लिया। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स φ = σ(ε0)E·vectordA प्राप्त होगा। और हमें पता है कि वेक्टर E·vectordA = होता है EdA cos θ और थीटा की वैल्यू होगी 0। तो इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रेशन EdA cos 0 हम लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए φ = E(surface integration dA प्राप्त होगा। और सरफेस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 4πr² के बराबर होगी। तो इसलिए φ = E(4πr² प्राप्त होता है। गॉस के नियम से φ = Q/ε0 होता है, परंतु गॉसियन पृष्ठ पर आवेश का मान शून्य है, अतः φ = 0/ε0 = 0 प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पे फाई का मान 0 प्राप्त हुआ और यहाँ पे फाई का मान E·4πr² प्राप्त होता है, तो दोनों ही स्थितियों में दोनों वैल्यू सेम होंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि E·4πr² = 0। तो यहाँ से हमें परिणामी मान E = 0 प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि किसी आवेशित गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।